हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ साईं बाबा का मंदिर। मैं आपको साईं बाबा का दर्शन कराऊंगा और अच्छी तरह से पूरी जगह आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, यहाँ बच्चे जो हैं अभी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलिए मैं अभी बच्चों को दिखाता हूँ किस प्रकार से वो लोग झूले वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले वगैरह हैं, इसीलिए बच्चे जो हैं इंजॉयमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ये पीछे साईं बाबा की मंदिर है, आप देख सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। ये देखिए दोस्तों, बच्चे इस तरह से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, स्लाइडर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं दोस्तों बच्चे, आप देख सकते हैं। मंदिर पे ही ये सब झूले वगैरह स्लाइडर वगैरह हैं लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टेज भी है दोस्तों, कभी कभार यहाँ शो होता है किसी भी त्यौहार में, जैसे डांस वगैरह का शो इधर होता है। काफ़ी सारे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे स्लाइडर अन्य तरह तरह के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये है साईं बाबा का मंदिर। चलिए अब मैं आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाता हूँ। छोटा सा ही मंदिर है दोस्तों, कोई बड़ा मंदिर नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए साईं बाबा की मूर्ति वहाँ पे है। बच्चों की चहल पहल दोस्तों यहाँ पे बनी रहती है, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, इंजॉयमेंट करते रहते हैं। चलिए अब मैं साईं बाबा को मूर्ति जो है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। मैं आपको मंदिर के चारों ओर दिखाता हूं। यहां से भी रास्ता है दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहां पे, आप देख सकते हैं। चलिए मैं और आगे आपको दिखाता हूँ मंदिर के पीछे का। दोस्तों, ये मंदिर का बैक है। यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, रॉड वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, शायद कुछ बनना होगा अभी। ये भंडारा स्थल है, ये जो रैलिंग बनी हुई है, यहाँ लाइन लग के प्रसाद लिया जाता है। जितने भी बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, ये स्कूल से छुट्टी हो के सीधा यहीं आते हैं और यहीं इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अन्य तरह तरह के खिलौने वगैरह हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं इकट्ठे और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ नियरेस्ट में एक और मंदिर है दोस्तों, चलिए मैं अब वहाँ का भी दिखाता हूँ किस तरह की मंदिर है, कैसा क्या है। तो चलिए मैं उधर भी आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये मंदिर है और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्लाइडर वगैरह अन्य तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ, और बस बाकी यहाँ पे अभी तो इतना ही है। पास में एक मंदिर है, मैं चलिए वहाँ आपको लेके चलता हूँ और वहाँ का भी दर्शन कराता हूँ। A few moments later. दोस्तों, दूसरा वाला मंदिर बस पहुँच ही गया हूँ, साईं मंदिर के पास ही है दोस्तों। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये साईं मंदिर यहाँ से 200 मीटर पे है और यहाँ पे 200 मीटर के बाद ये एक मंदिर है। चलिए मैं अब अंदर लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, मंदिर जो है क्या नाम है, बूढ़ी माता मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर है दोस्तों यहाँ। ये देखिए बूढ़ी माता मंदिर। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ का दिखाता हूँ नज़ारा, वहाँ का व्यू, माता का दर्शन कराऊँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, बहुत ही उम्मीद से जी रहा हूँ दोस्तों आप लोगों की, उम्मीद इतना लगाए बैठा हूँ कि आप भी मुझे कभी ना कभी सपोर्ट करेंगे, कभी ना कभी इच्छा होगी, ऐसा उम्मीद में हूँ दोस्तों। मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे वीडियो का एंजॉयमेंट करते रहिए और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए।
चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ वहाँ का व्यू कैसा है। बढ़िया गार्डन बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छा गार्डन बनाए हुए हैं यहाँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं बूढ़ी माता मंदिर। जय माता रानी। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे माता रानी की एक मंदिर छोटी सी है। यहाँ भी माता रानी की मंदिर है और एक बड़ी सी मंदिर है दोस्तों। ये तीन मंदिर हैं दोस्तों, दो मंदिर ये हो गई, एक मंदिर ये हो गई और एक मंदिर वो हो गई और ये की बड़ी सी मंदिर है ये देखिए। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, मुझे ऐसे जगहों में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाया करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। यहाँ पे हवन होता है दोस्तों, शनि धाम है दोस्तों, शनि भगवान है यहाँ पे। ये देखिए शनि भगवान जी की मूर्ति है, यहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्ति है दोस्तों, शेषनाग है, शिवलिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं शेषनाग की मूर्ति है, भोलेनाथ जी की मूर्ति है और यहाँ एक और भगवान है। उसके बाद ये एक बड़ा मंदिर है, अभी गेट बंद है यहाँ का। दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल में आपको कुछ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग सी वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलते रहेगा। मैं एक से एक कंटेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, हर एक जगह जाऊँगा, वहाँ के बारे में आपको जो भी छोटी बड़ी बातें हैं नॉलेज दूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, अच्छे से पूरा व्यू कैप्चर करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।